कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। पहले ही जानो कार्बोक्सिलिक अम्ल में श्रुति जी कि जब भी सिरप लिया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एस्टर में का हो सी डबल ओ बीच में आया होगा, दोनों तरफ एल्किल होता है। सी डबल ओ बीच में दोनों तरफ का होता है एल्किल। सब लोग याद करिए अपचयन का मतलब का होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और क्या, यानी ऑक्सीजन की संख्या घटेगी। जो उत्पाद बनेगा ना उसमें ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, ओकरा का अपचयन कहा जाएगा। आज अपचयन याद कर लो, जौन उत्पाद बनी उसमें हाइड्रोजन अधिक रही ऑक्सीजन कम रही, बस अभी ऑक्सीकरण कही तो ऑक्सीजन बढ़ जाए उत्पाद में और हाइड्रोजन कम हो जाए। लेकिन अपचयन कहता तो हाइड्रोजन अधिक हो जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो इससे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है जिसकी पहचान सी डब्ल्यू एच होता है अंतिम आता है, इससे भी आपको बनाना है और इससे भी बनाना एस्टर। एस्टर का मतलब सी डबल ओ, हम लगातार बता रहे हैं और दोनों तरफ एल्किल जुड़ा होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाने के लिए कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल चूज कर लीजिए, आर सी डबल ओ एच। अब आर के जगह पर सी एच थ्री भी लिख सकते हैं, सी टू एच फाइव भी लिख सकते हैं। तनिक समझने का प्रयास करो, ए विकास तो शुरू पर करो। आर के साथ सी डबल ओ एच रहेगा और आप इसकी क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, एल आई एल एच फोर उत्प्रेरक रूप में है। जब क्रिया करा देंगे नीचे देखिए दो एक और दो लिखा है, माने पहला स्टेप में ये मिलाएंगे माने दो उत्प्रेरक रूप में, तब आपका बन गया आर सी एस टू। देखो जैसे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो इसकी पहचान क्या होती है, आर सी डबल ओ एच, और आप इसमें उत्प्रेरक रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए और सकेर में एच टू ओ ले लीजिए, तो बन गया का ची आर सी एच टू ओ एच। अब चयन क्यों कहें, देखो आर तो है तो आर तो सही है और यहाँ पर एच कितना है, एक था, देखो इसमें बढ़ के तीन हो गया उत्पाद, इसलिए अब चयन कह रहे हैं बन गया। देखो आर, अब आर का मतलब क्या होता है कि जौन इच्छा है तो देखो सी एच थ्री लगते हो तो मेथिल, सी टू एच फाइव लगते हो एथिल, सी थ्री एच सेवन रख देगा तो प्रोपिल, ऐसा रखते चलो तो बन गया एल्कोहा। बस भाई अगर देखो अगर भुला भी जाओगे ना कोई दिक्कत नहीं है, एल्कोहल की जानते हो ना कोई एच आना चाहिए, तो एकदम निश्चित रूप से जानना चाहिए कि हमने को एच बस इसमें ला देना, यानी कहने का मतलब है हाई ओ एच तो पहले से बन नहीं बा का हमने के चाहिए, बस सी के साथ ही एच चाहिए, बस सी के साथ क्या चाहिए एच, इसलिए हमने जल मिलाया इसमें। देखो अभी आकर के इसके साथ का हो जाएगा एड हो जाएगा सी एस टू हो जाएगा, चल गए वो बाहर ही निकल गए, इसीलिए इसको अपचयन कर रहे हैं। इसमें देखो ऑक्सीजन दो था, इसमें ऑक्सीजन कितनी हो गई एक, इसमें हाइड्रोजन कितना था एक, इसमें हाइड्रोजन कितना आ गई तीन हो गई है, तो हाइड्रोजन बढ़ गया ऑक्सीजन कम हो गई, इसलिए इसको अपचयन कर रहे हैं। समझे अपचयन के बारे में का होने का हैने का, और यह अभिकारक है उत्पाद है तो रुक जाएगा, ये अभिकारक में ऑक्सीजन दो है और उत्पाद में ऑक्सीजन का है ये है। चलिए ठीक है दूसरा आ जाओ, अब एस्टर ले लो, एस्टर आज ले लो एस्टर। सब लोग बताओ एस्टर का सूत्र क्या होगा, कोई ले लो आर सी डबल ओ आर डैश ले लो, ले लोगे ना, अरे यही तो होता है हा? अब इसको डायरेक्टली आप हाइड्रोजन मिला दीजिए, दो हाइड्रोजन ठीक दो हाइड्रोजन मिला दीजिए, तो क्या होगा देखो ध्यान से, जब क्रिया कराओगे ना तो देखो क्या बनेगा, आर आर तो भाई आपके पास आर है, कुछ एच इसके साथ आकर एड हो जाएंगे तो सी एच टू सी एच टू ओ एच आप प्लस कह दे आर डैश बा और फिर आपका हो जाएगा ओ एच। समझे बात को, जैसे आर है सही है सर, एस्टर की यही पहचान होती है बहुत सी डबल ओ ए बीच में आता है, हाई डबल ओ है तो एक एच टू इसके साथ आके जुट गया, चलो जुट गया ठीक है, और फिर एक एच और एक ओ इसके साथ जुट गया देखो यहाँ पर, और फिर एक यहाँ पर आर ओ एच बन गया, तो इसी को कहते हैं एल्किल एल्कोहा, इसको भी वही कहेंगे एल्किल ओ एच है तो एल्कोहाल कहोगे। अब इसका नाम मत लिखते क्योंकि यार है ना, अगर सी एच टू होता तो मेथिल एल्कोहाल हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या होगा, अच्छा इसका नाम जानते हो ना एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन नहीं एल्किल एल्केनोएट लिखा जाता है इसका नाम, एल्किल एल्केनोएट ओ ए टी ए में जोड़ा जाता है, इसके लिए एल्किल लिख लो और इसके लिए एल्केनोएट लिख दिया जाता है, यही होता है आपका एस्टर का नाम लिखने का तरीका।
सब आपको हम 11 में धीरे धीरे सब पढ़ाए थे, ठीक है, तो लिख लो इसको, दोनों लिख लो, समझे समझे कि नहीं समझे बेटा। तो अब अल्कोहल कही तो मोहिया चलाए के चलो कैसा तो आर जोड़ दा, तो आर वेद जरूर आना चाहिए। अब कर्माक्षरी सम्मुख कही तो कैसा तो सी डबल हो जाए। आप सब लोग याद करिए बस सूत्र एकदम बनी मिथिल कर्माक्षरी के, मान लीजिए कह दिला क्यों कहा था तनी प्रोपे नोइक अम्ल से, अम्ल से प्रोपेनाल बनाइए, प्रोपेनाल बनाइए, बताओ सब लोग कितना लोग बना सकते हैं इसको प्रोपेनोइक, इसको हाँ प्रोपेनोइक अम्ल से प्रोपेनाल बनाना है, प्रोपेनोइक अम्ल से क्या बनाना है प्रोपेनाल बना लेंगे आप लोग, कितना लोग बना सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोपेनोइक वही कह रहा है बाबू, तो इसका मतलब हुआ CH3 CH2 COOH, अच्छा ये था प्रोपेनोइक, है ना प्रोपेनोइक, और इसकी क्रिया कराना है और करा के क्या बनाना है प्रोपेनॉल बनाना है, तो कैसे बनेगा CH3 CH2 और CH2 और OH बन गया, बात खत्म, चाहे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बन गया, बन गया। कोई कहा दिया आपसे कि बहुत आप अच्छे हैं बहुत पढ़ते हैं, बताइए ब्यूटेनोइक एसिड से, ब्यूटेनोइक एसिड से ब्यूटेनॉल बनाइए, क्या बनाइए ब्यूटेनॉल बनाइए, केमिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हर एक पर एक एक चीज बताया जाता है। कितना बना सकते हैं ब्लैकबोर्ड पर हाथों पर करेंगे, ब्लैकबोर्ड पर भी कितना बना सकते हैं, चलो जगह चौपट कहीं का CH3 CH2 CH2 COOH है ना, एक लोग जानत का है तो ना, अरे वही है ना, तो इसमें COOH था ना सही, देखो भैया हटना बोले देखो अब तरह में आगे का करे के बाबू का करे के पिंटू बाबू है तो चारो कार्बन चाहिए तार कहीं ब्यूटेनॉल कहला बा है हटा के जब OH तार कर देबे को चारों कार्बन कल बनू तो कुछ नहीं करे के मारा खड़ाक CH3 CH2 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 OH हो गई। अब बोलो हम पूछा ला प्रोपेनोइक सही बनाइए ब्यूटेनॉइक सही बनाइए, तुम छोड़ोगे नोट करो पहले इसको, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सभी बच्चा लोग कि गिरनार अभिकर्मक का होता है तब क्या बताने का प्रयास करेंगे, सर कहेंगे आर होता है MG होता है और उसमें हाइलोजन होता है। देखो पहले तो ये समझो कि आर होगा MG होगा X होगा, ये आपका होता है गिरनार अभिकर्मक, सब लोग आर का है, आर का है तेज बोला लोग ना याद करेगा पड़ी ना कि हम खाली लिखा था नहीं तुरंत छा पता लगे, आर एल्किल है, MG का है मैग्नीशियम है, X का है, अच्छा सब लोग बलिराम बाबू बताएंगे कोई बोलेगा नहीं, नो हेल्प वनली फार चला अगर कहा ना हुई अगर मैथिल पर ना कह मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैथिल मैग्नीशियम सब लोग याद करो पहले गिरनार अभिकर्मक के बारे में, अगर C2H5MgBr लिखा गया था, अरे राकेश राकेश बाबू आपको बताना है बेंजीन है, ओ हाँ बेंजीन है दिए छोर एक तब बेंजीन कॉल दो ये थी हम लोग उतने के पढ़ावा था सर हम इतने ज़्यादा बेंजीन कहते हैं, हाँ तो क्या नाम होगा ये थी मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5MgBr गलत फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे नाम याद रखिएगा, हमेशा फिनाल ही करेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा तो पिंटू कहता है कंप्लेन रहता है कि हमसे कभी नहीं पूछते हैं, तो बताओ बाबू कि साड़िया करिया ले लिया बोलम के नजर न लगा मतलब कहा है तब सबको याद कर कहा हुआ कि अगर कहीं भी गिरनार अभिकर्मक के बात करेगा तो आर एम जी एक्स जरूर रहेगा, आर बदल सकता है, आर बदल सकता है एक्स बदल सकता है लेकिन एम जी नहीं बदलेगा, एम जी हमेशा वही एम जी के जगह पर ही रहेगा, तो इसी से आपको एल्कोहल बनाना है, इसी से आपको क्या बनाना है, तो जरा सोचो हम लोग का मिलाएंगे कि एल्कोहल बनेगा, पहले समझाते हैं हम आपको तब लिखना, अब समझ गया मिटा दे इसको ना माना है ये बता देख लो ध्यान से RMgX उसमें जोड़ते जाओ नाम पढ़ते जाओ नाम आता जाएगा, पढ़ते जाओ नाम तुम लोग का बढ़ता चला जाएगा। तो देखो अगर हम एक रिएक्शन लिखें
कि हमने क्या किया कि आर सी एच ओ लिया। कोई बोले अंग्रेजी से पूछा जाएगा वही बताएंगे। अब लोग बताइए आर सी एच ओ कौन यौगिक का, कौन है समूह यौगिक का? एल्किल तो कौन होला, मतलब सी एच ओ कौन है समूह में वाला होला? बताओ RMGX का है? हाँ, एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसको गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। चलो रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराओ। अच्छा, इसमें रिएक्शन जब कराओगे ना तो क्या होगा, सब एक में जुट जाएगा, जाके सब एक में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो जुटाओ। अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो यहाँ पर, चलो ठीक है। अब इसकी जब क्रिया कराओगे तो जुड़ाओ चाहे जुटाओ, जो भी करो जोड़ दे हम, नहीं तो यहाँ पर यच कर दो तो ठीक हो जाएगा। अब क्या नाम बोलो सब लोग का होगा अगर यच लगा दे तो? मेथनैल जोड़ देना, मान ये पढ़ाई भाई एल जोड़ते इसमें, जब इससे अच्छो आता तो मेथेन होगा, एल जोड़ दो मेथनैल हो जाएगा। ठीक, क्रिया कराओ तो पहले आर आगे आ जाएगा, देखो ध्यान से आर आगे आ गया। ठीक है, फिर आपका जो आर आगे आ जाएगा, फिर सी एच, और यहाँ पर भी एक एच है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी एच टू आ गया। फिर आपके पास ओ बचा है तो ओ आ जाएगा, फिर आपके पास एम जी आ जाएगा। ये माध्यमिक यौगिक है। कौन यौगिक है भाई? माध्यमिक यौगिक है। ये ढेर दिन तक, मैंने ढेर देर तक ऐसा बना नहीं रहता, फिर एच टू ओ में इसको घोल दो, एच टू ओ में इसको क्या कर दो, घोल दो, इसको डाल दो। तो डालने के बाद जो बनाना है तन बनेगा, देखो यहाँ वहाँ जगह नहीं, तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं। अब आपके पास बनेगा आर ओइंगान, सी एच टू ओइंगान, अब ओ है, ओ के साथ एक एच आएगा तो एच बनेगा, प्लस प्लस का बनेगा एम जी, अभी एम जी बचा हुआ है बाबू, एम जी बनेगा, और एक यहाँ पर एच बचा है, फिर यहाँ पर एक ओ, तो ओ एच बचा है तो ओ एच लिखेंगे। फिर आपके पास एक्स भी है, एक्स भी बका है मैं, एक्स एक्स एक्स, हाँ यहाँ फिर मैं एक्स बनाना था ना, एक्स यहाँ पर बनेगा एम जी के साथ रहेगा तो बनेगा। ठीक है, पहले इसको समझो। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गिरनार अभिकर्मक से आपको एल्कोहल बनाना है तो आप एक एल्डिहाइड का कोई यौगिक चूज कर लेंगे, जैसे मैंने लिया है, इसको फार्मल्डिहाइड भी कहा जाता है, इसको मेथनॉल भी कहा जाता है। हमने गिरनार अभिकर्मक में ले लिया है, अभी आप चाहें तो आर की जगह पर सी एस थ्री रख सकते हैं, चाहें तो एक्स की जगह पर बी आर रख सकते हैं। एकदम ध्यान से समझे, ये मत समझना कि बहुत हार्ड है ना। हार्ड हमने कैसे बा कि हम लोग के जो थ्योरी आप लोग को जो सबको मैं एक दिया गया है, 10 वाले बच्चों से मैं आपसे कभी मौका मिलेगा तो पूरा एक जगह लिखाया गया, उसको फोटो कापी आपको दे देंगे। 17-18 को माने समूह है, कौन समूह का पहचान के कैसे आप कहेंगे कि एल्डिहाइड का कौन है, कीटोन का कौन है। ठीक है ना, अभी मांग रहे हैं उन बच्चों से तो आपको फोटो कापी करा करके कल ही दे देंगे, अगर आज दे देते हैं तो। चाहे किसी किसी के पास है, रखे हैं सब, राजकुमार के पास है, देखा जाए। गजला निकल नहीं पा, हाँ अच्छा इसी को फोटो कापी अभी करा दे रहे हैं। ठीक है ना, आज सब आप लोग तब इसके बाद से कौन का ग्रुप है बाबू? 15 का ग्रुप है कम से कम। ठीक है, एस्टर सब लिखा गया है शायद इसमें, 15 ग्रुप है, इसी को फोटो कापी करा करके आपको हम दे देंगे, अपने पास रखे रहना। ठीक है, रखे रहना, जाके मैंने दे दिया, फोटो कापी हो जाएगा। चलो, तो आर सी एच टू ओ एच एम जी ओ एच का कितना हो गया आपके पास? एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि हमने कहा कि जब क्रिया कराया, सब लोग समझो, तो पहले आर आपका एल्किल सही रह गया, एक यहाँ एच है और यहाँ सी एच है, तो दो को एच होगा तो सी एच टू, और बाकी जाएगा ओ बा होएंगे लिखा जाए, एम जी होएंगे लिखा जाए, एक्स होएंगे लिखा जाए, ओ एम जी एक्स आपने लिख दिया। जल में इसको डालेंगे, तो जब जल में डालेंगे तो देखो हाई तो आर पहले से था,
सी एच टू पहले से था और ओ और एच यहाँ से क्या हो एच, देखो एल्कोहल ये भी बन गया, यही बनाना था, ठीक है, क्या बनाना था, यही बनाना था। और बाकी जो आपके पास है ओ एम जी, देख रहे हैं ना ओ एम जी है, तो एम जी तो एक यहाँ पर है, यहाँ से एक एच जाएगा इसके पास तो एच हो जाएगा, और एक एक्स जो इसके साथ ये बचा हुआ एक्स अलग आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कोई पूछे कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एल्कोहल बनाइए, क्या बनाइए, एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल है, मान लो कह दिया एथेनॉल बनाइए, क्या बनाइए, एथेनॉल बनाइए, क्या बनाइए, एथेनॉल बनाइए, बना लेंगे आप खूब बढ़िया से सजा कर। आपको ये वाला हिस्सा लेना है तो इसके साथ ये ले लो एच सी एच ओ ले लो, प्लस ये वाला ले लो सी एच थ्री एम जी बी आर ले लो, तो क्रिया करा हुआ सब एड हो जाएगा ना। पहले आपका क्या होगा सी एच थ्री लिख लो, तो नहीं छोटा बनाते हैं आप, छोटा बना सी एच थ्री लिख लो, फिर ये आपके साथ आ जाएगा सी एच टू लिख लो, फिर आपके साथ ओ है तो ओ लिख लो, फिर एम जी है तो एम जी लिख लो, फिर बी आर है तो बी आर लिख लो, ये माध्यमिक यौगिक बनेगा। फिर इसको जल में डाल लो एच टू ओ में, तो बस क्या होगा ये यहाँ से कट करके अलग हो जाएंगे, नहीं यहाँ से कट करके अलग हो जाएंगे, एक यहाँ से आ जाएगा, तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, प्लस क्या बनेगा एम जी आपके पास है और यहाँ ओ एच है तो ओ एच लिख लो, और फिर आपके बी आर है तो बी आर बन गया, तो यही बनाना था एथेनॉल भी आपका बन गया, ठीक है। वही आपके अभी आप आगे पढ़िएगा ना, तो जब भी आपके एम जी या आर एम जी एक्स के जगह पर जो भी कहेगा प्रोपेनॉल, ये वो कही थे वो अधिक बनी, ये अगर मेथिल कही नू मेथनॉल, अगर कहेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो बनेगा एथेनॉल, कहें कि जैसे कार्बन हो जाके एड हो जाता है, ये वो अधिक वाला यौगिक बनेगा, जैसे ये मेथिल है ना मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो मैंने वही कहा एथेनॉल, ये वो बढ़ जाएगा, जैसे अगर प्रोपिल रहेगा तो ब्यूटेनॉल हो जाता है, कहें कि हिजा के कार्बन हो जाके बढ़ जाता है, समझ में आया, बताओ सब लोग, सब लोग सिंपल था ये, लिख लो जल्दी से लिखो। देखो अगर ये हेलो एरिन होता का है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एरिन का मतलब होता है बेंजीन, तो जब भी इसकी बात होगी हेलो एरिन की तो आप हेलोजन लेंगे, एरिन का मतलब होता है बेंजीन, क्लोरो बेंजीन ले लो, ब्रोमो बेंजीन ले लो, आयडो बेंजीन ले लो, या हेलो बेंजीन ले लो, हेलो का मतलब उसमें एक्स रहेगा, और उसकी क्रिया आप तमाम प्रकार के यौगिक से करा सकते हैं, आप एक ऐसे यौगिक से कराइए। पहले तो जानिए कि जब भी फिनाल की बात करेगा ना, कहाँ आपको टारगेट है बनाना है आपको, यही बनाना कहाँ है आपका, माना बेंजीन के साथ आपको कहाँ होना चाहिए, वही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बनाते हैं और कैसे इसको बनाएंगे जानने का पूरा प्रयास करते हैं, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर, चलिए कि देखो यहाँ पर कि सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि हेलो एरिन लेकर इसे 623 केल्विन पर NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है तो अंत में फिनाल का निर्माण हो जाता है, फिनाल का निर्माण हो जाता है, माने 623 केल्विन ताप तम आप लोग को याद होना ही चाहिए तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन में आपके पास यह है, इसके साथ सीएल जोड़ दिए,
नाम बोले इसका सब लोग। अरे रुक जाओ, तुम्हें दोनों नाम बोलो मिलके क्या होगा। अगर यहाँ पर सीएल को हटा करके हमने एक्स लगा दिया तब हेलो बहन जी, और हमने इसके जगह पर एन एच टू लगा दिया तब सब पढ़ाया गया। अगर यहाँ एन एच टू हटा करके हमने ओ एच लगा दिया तब, हमने ओ एच को हटा करके सी एच थ्री लगा दिया तब टॉलविन, और इसके जगह पर अगर हटा करके हमने एन ओ टू लगा दिया तब, अगर हमने इसके जगह पर हटा करके ओ सी एच थ्री लगा दिया तब का नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी चलिए ठीक है, तो हमने कहा कि सब आपको बताए थे क्लोरो बेंजीन ले लीजिए, क्रिया किसे कराना है बाबू एन ओ एच से, किसका उपस्थिति में, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 623 पर, तो देखो क्या बनेगा ओ एन ए के ऊपर प्लस, ओ एन ए के ऊपर प्लस माइनस। अच्छा इसका नाम जानते हो क्या होगा, इसका नाम होगा सुनो सोडियम फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड ऑक्साइड, ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ओ आ रहा है सोडियम फेनॉक्साइड, लेकिन माध्यमिक यौगिक होता है टूट जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड। चलिए फिर इसकी क्रिया सेल को उपस्थिति में कराएंगे, मोहब्बत है ना, किससे मोहब्बत है बताओ, सोच के बताओ किससे मोहब्बत है, हाँ एन ए को सी एल से है, ठीक है, तो ले करके चला जाएगा बाहर आई एच जाके इसके साथ, तो बन जाएगा आपका काम, ए फिनाल बनाना था ओ एच में, नोट कर लो ए फिनाल बनाना था, कोई दिक्कत पिंटू बाबू, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, देख लीजिए कहीं पानी, अरे कहा होगा मेरे दिल में रहता है ना, वो है तो दिल है, बच्चों का नाम खाली भैया लोग कल आने को।